मैं ईश्वर मित्तल, गौ सेवा प्रमुख, हरियाणा प्रांत। गुड़गांव में हर आदमी ने गुड़गांव को एक्सपेक्ट करा है, और गुड़गांव में आने के बाद मैं समझता हूँ कोई आदमी ऐसा नहीं है जिन्होंने मतलब के नाम धंधा नहीं है या जो भूखा मरे। गुड़गांव ने सबको अपनाया है और सबका साथ दिया है और सबका रोजगार दिया है और सबको तरक्की दी है। गुरुग्राम को आगे बढ़ाने व यहाँ बाहर से आए लोगों को बसाने में स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं में से एक है खांडसा गांव निवासी ईश्वर मित्तल जी। जी हाँ, ईश्वर मित्तल जी विश्व हिंदू परिषद के नेता के साथ साथ बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ईश्वर मित्तल से। मैं ईश्वर मित्तल, गौ सेवा प्रमुख, हरियाणा प्रांत, और मैं आरबीएम न्यूज़ चैनल के 5 वर्ष पूरे होने पर आरबीएम न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बहुत ही बढ़िया काम किया आरबीएम ने 5 सालों में, और जो आरबीएम ने अपना नाम कमाया है वो एक बहुत अच्छा कमाया है और एक अच्छी उन्होंने अपनी वो बनाई है। तो मैं इसलिए बार बार आरबीएम का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हर आदमी की बात पहुँचाई है सरकार तक। मैं खांडसा गांव का निवासी हूँ, और यहाँ तक पहुँचने में हमारे बहुत पिताजी का बहुत आशीर्वाद है। हमारे पिताजी हमेशा ये कहते थे, बेटा सच बोलो, झूठ का सारा मत लो। और वो एक उदाहरण भी देते थे, भूखे की भावड़ जाएगी, झूठी कभी नहीं भावड़ेगी। और हम उन्हीं के आदर्श पे, उन्हीं के उस पर चल रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। गुड़गांव ने सबको अपनाया है और सबका साथ दिया है और सबका रोजगार दिया है और सबको तरक्की दी है। नहीं, सरकार ने मजदूरों के लिए किया है, मजदूर को इतना बड़ा गुड़गांव शहर है, मजदूर के साथ साथ व्यापार बहुत बढ़ रहा है। व्यापार बढ़ रहा है तो मजदूर की मैं समझता हूँ अपना व्यापार करो। आज एक रेहड़ी वाला भी 2000 रुपये रोजगार पाता है, और जबकि सरकार तो मजदूर के लिए कर ही रही है। उन्होंने अभी मजदूरों की सर्कल पे स्केल भी बढ़ाया है, और पे स्केल और बढ़ाए के भी बात चल रही है। मतलब तो सरकार ने तो भी पे स्केल बढ़ाया है। सरकार तो जो काम कर रही है कर रही है, पर गुड़गांव जिला, गुड़गांव शहर मजदूरों के लिए और सभी व्यापारी के लिए, जो भी बाहर से आया है सबको गले लगाया है और सबको रोजगार दिया है। उसमें मजदूर हो या व्यापारी हो, जो गरीब तबका है वो बेचारा, उसके पास पैसे इतने नहीं है कि वो सेक्टर में रह सके, इसीलिए वो लालच में, लालच बस कच्ची कॉलोनी में 50 गज का प्लाट लेता, 100 गज का प्लाट लेता मजदूर भी जैसा है। वो जो सरकार उसको तोड़ने का काम कर रही है वो गलत कर रही है। क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार को? हम तो ये कहें, हम तो सरकार को ये माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि गरीबों का 50 गज का प्लाट तोड़ा जाए, जो बड़े बड़े कॉलोनाइजर है उनका कुछ भी किया जाए। मजदूर अपनी सारी जिंदगी कमाई उसमें लगाता है और वो 50 गज का प्लाट तोड़ा जाए। गुड़गांव एक महानगर का रूप ले चुका है, तो क्या यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल उससे आप संतुष्ट हैं? हॉस्पिटल तो बन रहा है, ESI का भी है, सेक्टर 9 में बन रहा है, अब नया हॉस्पिटल दूसरा भी तैयार हो रहा है। फिर भी इतना बड़ा शहर होने के बावजूद सरकारी हॉस्पिटल 1-2 और होने चाहिए। जब ये सरकारी हॉस्पिटल बना था, जब गुड़गांव की आबादी बहुत ही कम थी, आज गुड़गांव एक महानगर में बस चुका है। तो इसीलिए गुड़गांव शहर में 1-2 सरकारी हॉस्पिटल बनने चाहिए। अंत में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो यहाँ आकर करियर शुरू करना चाहते हैं, रोजी रोजगार शुरू करना चाहते हैं, क्या संदेश है? यही संदेश है, ईमानदारी से, सच्ची नियत से और मेहनत से काम करें। गुड़गांव हर आदमी को अपनाएगा और हर आदमी को रोजगार देगा, या कोई खाने के भी नहीं होगी, यही मैं आपको सरकार। Hi guys, myself Raj Chauhan, actor, model and fitness freak. I am giving news for
एंड इट इज RBM न्यूज यू आर वॉचिंग। एंड ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये हमेशा सच के साथ रहते हैं और अच्छी न्यूज दिखाते हैं, कोई फेक न्यूज नहीं होती। प्लीज वॉच एंड सब्सक्राइब, लाइक इट।